तोबा, कयामत की निशानी है। हाँ भाई, किसी बीबी का और वो भी खान के अपने घर की बेटी का रिश्ता खानदान से बाहर हो रहा है। तारीखी दिन होगा ये। हाँ भाई, वैसे मरियम बीबी का रिश्ता तो नौरेस खान से तय हो गया था, और ये बात पूरे खानदान को पता है कि इस महीने के आखिर में उसका निकाह है। फिर ये दूसरा रिश्ता। खुदा जाने क्या होगा। और सुना है लड़के की माँ भी आ रही है। हाँ। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? वो बीबी जी, काम खत्म हो गया हमारा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म करें। तुम जाओ। जी अच्छा, रुको, तुम सामने आओ। जी बीबी जी। मरी, तुम मलिकों के यहाँ काम करती थी ना? जी बीबी जी, मगर अब तो माँ बेगम ही मेरी मालकिन है। तो तुमने वहां से काम छोड़ा? जी। क्यों मरी? वो बीबी जी, मेरा मरद मलिक के गांव का ही था, बड़ा ही खास बंदा था जी। मर गया, मैं बेवा हो गई, फिर अपने गांव वापस भेज दी गई। मेरा अब्बा खान का हारी है, बस फिर माँ बेगम ने मुझे अपनी इस हवेली में बुला लिया जी। तो तुमने बेगम को देखा होगा ना? मालकानी को? हाँ जी, बड़ी अच्छी नेक खातून है। तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? ना जी ना, बहुत पर्दा करती हैं, हमारे पास उनकी कहाँ से तस्वीर। मरी, मोबाइल में कभी निकाली होगी? ना बीबी जी, छोटा मोबाइल है मेरे पास, इसे तो काली बड़ी मुश्किल से होती है जी। देखोगी तो पहचान लोगी? हाँ जी, लाखों में भी पहचान लूंगी, इतने साल काम किया है मैंने उनके घर पर। मरी चलो मेरे साथ आओ। तो पड़े हैं। ये मलकानी है ना? नहीं जी, ये मलकानी नहीं है। यही मलकानी है? नहीं जी, भला मलकानी जी का यहाँ क्या काम? और वो मरियम बीबी के लिए रिश्ता लेकर आएंगी, वो भी मलिक जुबैर के लिए। तो भैया बीबी, ये मलकानी जी नहीं है। वालेकुम सलाम। आपके साथ कोई मर्द नहीं आया, आप अकेली आई? क्यों, किसी और ने भी आना था क्या? मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, डरती नहीं हूं मैं किसी से। बहुत पक्के खिलाड़ी हो मलिक जुबैर, नकली नाम तो नकली माँ भी। अब तो और मजा आएगा। नीरव, तुम अपने लिए खुद ही फंदा तैयार कर रही हो। अब क्या यहीं खड़ी रहूं या मुझे कहीं बिठाएंगे भी आप लोग? नहीं नहीं, प्लीज आप आए। अनस नहीं आया? कौन? अनस, आपका बेटा जिसके रिश्ते के लिए आप आई हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, उसे कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं आ गई ना, बात खत्म। देखिए, हमें तो अनस से मिलना था, एक्चुअली उसे आना चाहिए था। अनस से मिलने की क्या जरूरत है,
लड़की तो मुझे देखनी है ना, मैं आ गई, बात खत्म। वो तो ठीक है, लेकिन आपका घर भी तो होगा ना, कहाँ रहती हैं आप? वो क्या हुआ मीरा, सब ठीक है ना? सब ठीक क्या है, अनस ही नहीं आया है। पर उन्होंने कहा था वो अपनी अम्मी को खुद लेके आएंगे। सिर्फ उसकी अम्मी आई हैं। मुर्तसिम का उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि माँ बेगम कोई बहाना बना के इस रिश्ते से इनकार कर दें। उसको कॉल करो, उसको कहो अभी आए। सिग्नल्स का इश्यू होता है, दोबारा कॉल करो। उसे कहो हर काम सब चीजें छोड़कर अभी आ जाए यहाँ पे। लड़का कहाँ है? वो बताया तो है, वो किसी काम की वजह से नहीं आ सका। इससे भी जरूरी काम हो सकता है कोई? हाँ तो मैं आ गई इसीलिए। वैसे भी लड़की तो मुझे ही देखने दी। आप उसको बुलाएं, मैं उसे खर्ची दूं और रिश्ता पक्का तो हो गया ना वैसे भी। कैसे पक्का हो गया? आप कौन है? माँ हूँ मैं लड़की की। सब लोग यहाँ मुझे माँ बेगम कहते हैं, बेगम शाहनवाज खान। अच्छा आप हैं वो जिनको राजी करने में इतने दिन लग गए। राजी तो मैं अब भी नहीं हूँ। राजी नहीं थी तो मुझे क्यों बुला लिया? आप खुद आई हैं गालिबन रिश्ता लेकर। आप प्लीज कुछ लीजिए ना प्लीज। लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि यहाँ सब लोग राजी हैं रिश्ते पर, जबी तो मैं रस्म करने आई हूँ। ये सब कैसी बातें कर रही हैं आप? ना हम लड़के से मिले, ना हम आपके खानदान को जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद ब खुद अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके बैठ गई? मुझे तो अनस ने यही बताया था। देखिए वो है कहाँ पे, आप प्लीज उससे कहिए कि यहाँ आए, मैं उससे मिलूंगा, फिर आगे बात होगी। मुर्तसिम, नाम क्या है तुम्हारा? सीमा। सीमा क्या? मेरा नाम है सीमा। सीमा क्या, कुछ आगे भी होगा? कोई जात पात, कोई हसब नसब, कोई खानदान? पूछना क्या चाह रही हैं आप मुझसे, ये बताएं पहले। अरे आप बैठिए तो सही, आप मैं बात करती हूँ। बस क्या बात करूंगी मैं इनसे, ये तो मेरा हसब नसब लेकर बैठ गई हैं। ये होती कौन है मुझे ये कहने वाली? होंगी कोई बड़ी माँ बेगम, लेकिन मैं भी कोई राह चलती औरत नहीं हूँ। लड़के की माँ हूँ लड़के की। देखिए घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारे खानदान की रिवायत है। अगर मेहमान इज्जत के दायरे में रहकर बात करे तो, वरना वो जा सकता है। अरे दायरे में तो तुम अपनी बेटी को रखो, खान हो ना, संभाल ही नहीं जाती तुमसे अपनी बेटी, और मुझे कह रहे हो जाने के लिए? बराए मेहरबानी आप जा सकती हैं। मुझे कह रहे हैं जाने के लिए? जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये बड़े खानदानी लोग और हम बिना खानदान के छोटे लोग हो गए इनके सामने। हाँ तुम कोई बहुत ही छोटी ज़हनियत की छोटे खानदान की औरत हो। याद रखना मेरी बेटी का रिश्ता कभी तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता।
कम से कम मेरे जीते जी कभी नहीं। रखो अपनी बेटी अपने पास, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शरीफ और खानदानी बेटी लेकर जाने का जो मेरे बेटे के साथ चक्कर चला रही है। बड़ी आई खानदानी, बेइज्जती कराने के लिए मैं ही रह गई हूँ। बातें करवा लो, बड़ी आई बड़ी बेगम। ये कौन औरत थी, कैसी बातें करके गई है मेरे सामने। माँ बेगम ये सब का तो मुझे भी नहीं पता था। मुर्तसम अनस अच्छा लड़का है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो कि किस कैलिबर के लोग हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को राजी किया था, लेकिन इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अनस को एक चांस और देना चाहिए, उससे एटलीस्ट एक बार मिल तो लें। जिसकी माँ को बात करने की तमीज नहीं, यकीनन उसका बेटा भी बदतहजीब ही होगा। इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। मरियम की शादी नौरे से ही होनी चाहिए, ये लोग मुझे भी नहीं अच्छे लगे। मेरे तुम मरियम को जहनी तौर पर तैयार करो कि वो नौरे से शादी करे। इसी में हमारी और हमारे खानदान की इज्जत है। से मिलने को तैयार तो हो गया, पता भी चल गया कि तुम्हारी मोहब्बत में माँ बेगम को भी नाराज कर सकता है। लेकिन बात कुछ जमी नहीं मीरा। वालेकुम सलाम। तो फिर क्या हुआ, बात बनी है बिगड़ी? बिगड़ गई। किस हद तक? अब मुर्तसिम खान मरियम की शादी कभी भी अनस से नहीं होने देगा। किसी हाल में मुर्तसिम खान ही करेगा शादी। यस। सब जा आयाशी का। थैंक यू। मरियम, सब सुन लिया है मैंने, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मीरा।
मारिया मेरी जान। तुमने मुझसे झूठ बोला है मरियम, ड्रामे नहीं करो मेरे आगे। अनस, अनस मेरी बात सुने, मैं नहीं जानती थी कि बात ऐसा रुख लेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। मरियम क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं जानती? तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ बेगम, जिस तरह के वो लोग हैं, तुम्हें लगता है उन्होंने कभी हाँ करनी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हुआ, बेइज्जत कर दिया तुम लोगों ने मेरी माँ को? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपकी अम्मी ने माँ बेगम से बहुत बहस की और मेरे बारे में भी बुरा भला कहा। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ बेगम को बुरा भला कहा? कितनी बुरी औरत है ना मेरी माँ, है ना? और इधर वो तुम्हारी माँ बेगम हमारा हस्ब नस्ब खोल के बैठ गई है, मेरी माँ के किरदार पे उंगलियां उठा रही है, वो तुम्हें नजर नहीं आया? लेकिन अनस, आप मुझे बताइए कि इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो इज्जत से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। मरियम, अब ना किसी भी सूरत में हमारी शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा मत कहें, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे शादी करना चाहती हो तो ऐसा भागना होगा। हमारा शादी करना, एक होना, अब सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। अगर तुम्हें मंजूर है तो सही है, वरना फिर मुझे भूल जाओ, उस नौरेज से शादी कर। मैं उसे शादी नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच लेना, जिस दिन कहोगी आकर ले जाऊंगा तुम्हें। मुर्तज़म खान, तेरी इज्जत का तो जनाजा निकाल के ही रहूंगा मैं। मुर्तज़म खान कहाँ है? आप लोग जाइए, वक्तु भाई को बुलाइए। वक्तु भाई, जी बीबी, मुर्तज़म किधर हैं? छोटे मालिक बाहर गए हैं। क्या मतलब है बाहर गए? कहाँ बाहर गए? मुझे नहीं मालूम। वो पूरी रात घर नहीं आया और आपको मालूम ही नहीं है? आप उनके इतने खास बंदे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको मालूम ना हो?
मालिक हर बात मुझे नहीं बताते, कुछ बातें कुछ काम अपने तक महदूद रखते हैं। छोटी बीबी बख्तू गांव की तैयारी करें। जो हुकुम। कहाँ थे सारी रात? मैं कुछ पूछ रही हूँ, रात भर कहाँ थे? अभी जाने दो, कल बात करते। अभी नहीं जाने दो। सवाल का जवाब मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। क्यों? इनकी पूछ रहे हो? मैं जिसके साथ मर्जी हूं। ओ, तो इसका मतलब है पूरी रात गुजार कर आए हो और तुम चाहते हो कि खामोश। जवाब क्यों नहीं देते हो? कहाँ थे? बताते क्यों नहीं हो? सोने दो यार। ठीक है, मैं जाके माँ बेगम को बता कर आती। मैं कोई पागल हो गई हूँ? प्लीज बेगम मत बता देना। जाओ बताओ। प्लीज जरा जूते उतारती जाओ। प्लीज थैंक यू। क्यों नहीं, उतार भी देती हूं और दो चार लगा भी देती हूं। इधर देखो मित्र, पता नहीं कहां सारी रात गुजार कर आया तुम। ठीक है मेरा तुम्हारा जो भी रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी कुछ भी कर कर आओ। और उठो सक्केरा, मेरे बेड से उठो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बेड? जी। जेज में लाई थी? बड़े को अफसोस की बात है मुर्तसिम, अगर एक मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहां थे और मुझसे सॉरी नहीं किया, तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। तो यार सुन लो, शूज नहीं उतारोगी? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है साथ? नहीं, उसके लिए मरना पड़ेगा। मीरब, तुमने तो मेरी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बना दी है। तुम्हारे जैसे लोग ना हसद की आग में जलते हैं, उसके लिए उन्हें जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हसद? और तुमसे? मैं तो मोहब्बत की आग में जलती हूँ। फिर चाहे उसे कोई हसद कहे तो शौक से कहे। हया, तुमने जिस भी आग में जलना है जलो मेरी बला से, मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हुई हो? शौक नहीं है मुझे, माँ बेगम ने बुलाया तुम्हें। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उपटन से, देखना जिल्द बिल्कुल निखर जाएगी माशाल्लाह। आओ मीरब। मरियम को उपटन लगाओ। लगाओ मीरब।
ये इतनी जल्दी क्यों? अभी तो महीने की शुरू की तारीखें हैं, शादी तो इसकी आखिर में है। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को एक हफ्ता पहले से उपटन लगाना शुरू करते हैं। मैंने फैसला किया है कि मरियम की शादी में एक हफ्ते के अंदर अंदर नौरेज खान से कर रही हूँ, बड़े मान से और शान से। तुम बड़ी भाभी हो इसकी, इसकी खुशियों में हिस्सा लो। आप लोग जरा बाहर जाइएगा मरी जी। अच्छा माँ बेगम, आप मरियम की तरफ देखें तो सही, सब कुछ जानते बूझते आप सब कुछ इग्नोर कैसे कर सकती हैं? कुछ नहीं है इस शादी से, आपकी बेटी है। देखो बीबी, ये रोना तो जिंदगी भर का है, ये जब भी अकेली होगी सोचेगी तो पछताएगी कि मैं अपनी हद से क्यों गुजरी, मैंने अपनी माँ बेगम का कहना क्यों नहीं माना, जिस चीज से उन्होंने मना किया था मैंने वो क्यों की। क्योंकि हमारे खानदान में दिल लगी की इजाजत नहीं है। मेरी बेटी है, इसका दिल दुखी है, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा और देखने वाले यही समझेंगे कि अपनी शादी पर इस घर से जुदाई की वजह से रो रही है ये। तुम मीर मुर्तसिम खान की बीवी हो, तुम्हारा जो इस खानदान में किरदार है बेहतर है तुम वही अदा करो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर रोज दुल्हन को उपटन लगे और इसके जहेज का सामान पैक करके बारी बारी नौरेज खान के घर पहुंचा दो। बाकी रही मरियम की बात, तो अपनी शादी तक ये घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। इसकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो इसे घर में मुहैया किया जाएगा, इसका ख्याल रहे। अच्छा होगा अगर तुम इसकी शादी में खुश नजर आओ, वैसे भी तुम्हें शादी में नाचने का बहुत शौक है, अपनी नंद की शादी में नाचोगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल माँ बेगम, आप बेफिक्र हैं, ऐसा ही होगा। मरियम की शादी हम लोग सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मरियम, क्यों आए आप यहाँ पे? मरियम, मिल गई माँ बेगम के साथ, बन गई रिवायती बड़ी भाभी। पहले मुझे एतमाद मिली, फिर अनस से मिली, हम दोनों को यकीन दिलाया कि हम एक करेंगे, हम जुदा नहीं होंगे, सबको मना लेंगे। फिर सब फरामोश करके माँ बेगम के साथ मिल गई, नाचेंगी आप मेरी शादी पे। इतनी खुशी है आपको मेरी और नौरेज की शादी पर? वाह वाह मीरा, आप क्या खेली हैं। रिवायती भाभियों की तरह नंद की खुशी नहीं देखी गई आपसे। जब मुर्तसिम भाई और माँ बेगम को नहीं मना पाई तो पलट गई। मरियम, हर भाभी बुरी नहीं होती, हर सास और नंद भी बुरी नहीं होती। वैसे ही मैं, तुम और माँ बेगम बुरे नहीं है, बस अपने अपने रिश्तों में जकड़े हुए हैं। मैंने अपने रिश्तों का पास तोड़कर तुम्हारी मदद की, भाभी बन के नहीं।
एक लड़की बन के जो ये नहीं चाहती कि इस खानदान की लड़की के साथ वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ, जो ये चाहती है कि हर लड़की अपनी मर्जी, पसंद और आजादी से जिंदगी गुजारे, उसको इंसान समझा जाए, उसको अहमियत दी जाए, बस इतना चाहा था मैंने, लेकिन वो नहीं कर सकी जो करना चाहती थी। मीरा, मैंने खुद सुना, आप माँ बेगम से कह रही थी कि आप नाचेंगी मेरी शादी पे। सही सुना, अगर ये ना कहती ना तो माँ बेगम बहुत खिलाफ हो जाती मेरे, जो कि पहले से है, और इतनी है कि तुम्हारे आने जाने पे पाबंदी लगा दी। अगर ये ना कहती तो वो निकाह की डेट तोड़कर तुम्हारा निकाह आज पढ़वा देती। तो अब क्या करेंगे हम? अनस को मुर्तसिम से मिलना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? अनस से कहो कि एफर्ट करे, तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ेगा उसे। उसे कहो कि मुर्तसिम से मिले। अनस, अनस मुर्तसिम भाई से नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों? ले जाओ ये फोन, यहां जरूरत नहीं है इसकी। कोई बात नहीं मरियम, ये तो होना ही था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अनस की अम्मी ने अपने घर का एड्रेस दे दिया है। मुर्तसिम अनस से मिल लेगा और इसी बहाने अनस का घर भी देख लेगा, और अगर मुर्तसिम को अनस पसंद आ गया तो समझो हर चीज आसान हो जाएगी। मुर्तसिम भाई जाएंगे, उम्मीद तो यही है, मगर मीरा मेरे पास तो फोन नहीं है। मैं तुम्हें अपना मोबाइल ला के देती हूँ, लेकिन किसी को खबर मत होने देना। इससे रबते में रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के दिन की रात तो हो गई, अब 6 दिन बाकी, सिर्फ 6 दिन। कैसे करूंगी मैं तैयारी? ढोलकियां भी रखनी है, डांस प्रैक्टिस भी करनी है। तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी 6 दिन में पूरी? हो जाएगी, फिक्र मत करो। हेलो अनस, मैं मरियम बात कर रही हूँ। मेरा मोबाइल माँ बेगम ने छीन लिया है, मैं मीरा के मोबाइल से बात कर रही हूँ, मुझसे बात तो कीजिए। हेलो अनस, अनस मुझसे बात तो कीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, 7 दिन में शादी है मेरी। मीरा,
मीरा 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 करके देख।